दबंग स्टार और सुल्तान फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाले सलमान खान की जड़ें मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से जुड़ी हैं। इंदौर में पैदा हुए सलमान खान की जिंदगी के शुरुआती दिन भी उनकी फिल्मों की तरह रोचक थे। बचपन में हुई मालिश की वजह से बजरंगी भाईजान का शरीर इतना मजबूत हुआ है। चलिए जानते हैं सलमान की जिंदगी के पहले 12 दिन से जुड़ी 12 रोचक बातें। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। डिलीवरी करने वाली दाई माँ रुक्मणी भाटी बताती हैं कि घर के लोग उनकी अम्मा को 26 दिसंबर की रात अस्पताल लेकर आए थे। 27 की सुबह 10 से 11 बजे के आसपास सलमान का जन्म हुआ था। सलमान का जन्म कपकपाती ठंड के बीच इंदौर के कल्याणमल नर्सिंग होम में हुआ था। उनके पिता सलीम का पैतृक घर इस अस्पताल से कुछ ही कदम की दूरी पर है। दाई माँ ने सलीम खान को सलमान के जन्म की खबर दी तो उन्होंने खुश होकर 100 रुपए का नोट दिया था। जन्म के समय सलमान का वजन 4 किलो के आसपास था। सलमान के जन्म के बाद 12 दिनों तक सलमा और सलमान अस्पताल में ही रहे थे। सलमान की मालिश के लिए उनके ताऊ तिल्ली का तेल लेकर आए थे। अस्पताल में 12 दिनों तक रोजाना इस तेल से 1 घंटे सलमान की मालिश होती थी। इसी मालिश का नतीजा था कि अस्पताल से जब ये नन्ना मुन्ना बच्चा घर पहुंचा, तो उसका शरीर सुगठित हो चुका था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।